मैं इकरार खान आज के न्यूज की टीम जमनिया विधानसभा में आ गई है और मैं बता दूं कि जमनिया विधानसभा में वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुनील सिंह हैं। इस समय जमनिया विधानसभा में 3 से 4 प्रत्याशी जो बहुत कांटे की चल रही है, इसी में हम बात करेंगे, लोगों को जानेंगे कि आखिर में कौन सी पार्टी का वोकल चाहिए है और किसका पलड़ा भारी है। क्या कहना आपका? नारायण सिंह गमर चाहे बताइए कि विधानसभा चुनाव 7 तारीख को उत्तर प्रदेश लास्ट वोटिंग गाजीपुर में है और तमाम पार्टियां रन कर रही हैं, अभी प्रधानमंत्री भी कल आए थे, आज योगी आदित्यनाथ जी भी आए हैं, कौन सी पार्टी का वोकल है और कौन से प्रत्याशी या विधायक के लिए बनने जा रहे हैं? ऐसा हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग टाइप हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ टूटन नहीं है, और लोगों में भाजपा में भी टूटन है, BSP में भी टूटन है, बाकी हम इतना मेहनत के हमारा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह इतना मेहनत के हैं कि सारे लोग इनसे संतुष्ट हैं और हम लोग समाजवाद निकलते हैं। यहाँ से लड़ाई नहीं है किसी से। यहाँ पर वर्तमान विधायक सुनील सिंह, उन्होंने कहा कि 30 साल बनाओ 5 साल उससे कहते ठीक है, बाकी उनका कुछ है नहीं, कुछ काम वो कुछ देश उनसे संतुष्ट लोग नहीं। योगी के नाम पर चाहे उनको 50,000 पड़ जाए, 10,000 पड़ जाए, योगी जी के नाम पर पड़ जाएगा, लेकिन उनका जमीन कुछ यहाँ नहीं है। जो प्रकाश जी की है उनके आचरण में कुछ नहीं, प्रकाश जी सब कुछ। एक चीज और, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रवेश खाने लोगों का क्या कहना है कि यहाँ मुसलमानों का वो जो वोट समाजवादी पार्टी को ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ वोट कट के बहुजन समाज पार्टी भेजा रहा है, इसको ऐसा है ना कि प्रवेश जी आए हैं जरूर, मगर प्रवेश जी नेता नहीं है, इनके पिताजी भी नेता थे तो जा करके वहाँ दूसरे एंटी गोल के लोग के साथ बैठ करके अपना उठ बैठ करते थे, वही आज भी कर रहे हैं। बहुत करेंगे तो 2-4% 10% जो है कि नहीं कुछ ले सकते हैं, इधर उधर अगल बगल रिश्ता संबंध में उस तरह से तमाम लोग हैं, बाकी ओम प्रकाश जी यहाँ ठीक ठाक। आप कह रहे हैं मतलब कि आगामी विधानसभा चुनाव 7 तारीख को वोटिंग होने वाली है, इसमें जमनिया से ओम प्रकाश जी भारी रहेंगे और ओम प्रकाश जी का UP का CM कौन उसके तो देखा जाए तो भाई तब इतना दूर आदमी कम नहीं करते, हम दूसरे के लोग क्षेत्रीय आदमी रहते थे उसमें हम बहुत हमको डिस्टर्ब आप लोग इन्हें कहने का मतलब है कि कौन चेहरा जो हम बता रहे हैं आपसे ना, मानो कि हम लोकल हैं यहाँ के, हमको जो दिखाई पड़े उस नाम के ऊपर हम बात करें, अन्यथा हमको दूर आप ले जाएंगे तो हम नहीं हमारा। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो सारे लोग परेशान है, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कार्य और कारनामे यूपी की जनता समीकरण तय होता है, उसी के हिसाब से लोग आवे या न आवे थी ना, डॉक्टरों का कोई पीएम न बन गया तो हो जाला। अभी देश पर 3 साल बना, 5 बरस में विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उन्होंने कार्य किया है उनके ऊपर तो कई अब वो किस तरह 5 साल और 30 साल की बात कर रही है हमें समझ में नहीं आता है। समीकरण बन चुका है, लेकिन कौन सी पार्टी का वोकल टाइप
औकाल तो हवा में चुनाव में सुविधा आड़ रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि समीकरण वो तय हो चुका है, उसी के आधार पर लोग वोट देंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ केन्यूज इंडिया। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अपना जी विधानसभा चुनाव का 7वां चरण 7 तारीख को 10 तारीख वोटिंग होने वाली, तमाम दिग्गज गाजीपुर में आ रहे हैं जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री का था, आज मुख्यमंत्री, फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और अमित शाह भी आने वाले हैं। इससे क्या करें, अरे बदला काम है, ये बात रखो। क्या चाहते हैं यहाँ पर जो मैं जो विधायक के रूप में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जो मैं व्यक्तिगत चिंता के रूप में चिंता कोई भी और आइए भाषण चाहिए जनता से कभी वो जब विधायक से तब भी और नहीं से तब भी उनका अनवरत जनता से लाभ रहा है और इसका परिणाम मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं उनका खास सिंह का व्यक्तित्व उनका और उनका कार्य और जनता से जुड़ा रहा, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी हमारे साथ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कौन सी पार्टी का बॉकआउट है तो क्या कहा था। खबरों का सारथी। भाजपा संकल्प है बढ़ेगी सुविधा, खुशहाल होगा गन्ना किसान, 14 दिनों में होगा भुगतान, मिलेगा ब्याज अगर देरी से हुआ भुगतान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ केन्यूज इंडिया। भाजपा का संकल्प है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। लोगों ने कहना कि 5 साल बना, मुझे वर्तमान विधायक ने कहा कि
पाँच साल का तीस तक मेरा पाँच साल बराबर हो चुके देखिए। अभी योगी जी भी यहाँ पे आए थे, उनका भी कहना था कि हमने विचार किया है विशेष में जनरल में योगी जी दूसरी स्थिति पर आए हैं और विधायक जिनका जिनका दावा है जनरल सड़कों का जो है अच्छा खासा जाल बिछाया है। यहाँ की टी वी रोड जो पूरे कार्यकाल में एक मंत्री या विधायक के कार्यकाल में टी वी रोड बेहद दुर्घटना दो सौ अट्ठाईस करोड़ की लागत से रोड बनी और फिलहाल उस रोड का प्रभाव पिछले चुनाव में भी था और मुझे लगता है कि हमारे साथ तो लोग जुड़े हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में जमुनिया विधानसभा में कौन सी पार्टी का भोकाल टाइट क्या नाम है सर। यहाँ का भोकाल जो है वो त्रिकोणात्मक है, तीनों का भोकाल टाइट है और उसमें भी सबसे अधिक पूर्व मंत्री ओपी सिंह जो समाजवादी पार्टी और वहाँ पर भाजपा की है और बाबा से हैं। 70 करोड़ कितने करोड़ का था तो ये इसका बना कौन सी पार्टी भोकाल यहाँ के सीएम है विधायक तो जनता तय करेगी, हम कौन तय करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है नारी को बनाएंगे और सशक्त, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती होगी दोगुनी। फिर सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर से कलकल दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। ये तय है कि 7 मार्च को वोटिंग होगी और 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा। उस दिन ये तो साफ ही ना हो जाएगा कि किसका भोकाल टाइट है। तो यहाँ पे जैसे त्रिकोणीय लड़ाई करें लेकिन 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह जो तीसरे नंबर पे थे, क्या इस बार फर्स्ट आ जाएंगे कि फिर तीसरे नंबर पे? देखिए पिछली बार चाहे तो भी रहा हो लेकिन इस बार तो भोकाल टाइट है तीनों का और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसका भोकाल सबसे ज़्यादा टाइट है। टाइट तो कहीं भोकाल ये है तीनों प्रत्याशियों का, तीनों मैदान में और दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़े की बात करेंगे तो एक तरफ बीजेपी के सुनीता सिंह विधायक हैं और दूसरे तरफ समाजवादी गठबंधन से प्रकाश चुनाव मैदान में, तीसरा एक नया प्रत्याशी बसपा ने उतारा है जो परवेश खान। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जातिगत आंकड़े की बात करें जातिगत लेकिन अब वोट के रूप जनता इस तरीके से तब्दील है, ये तो 7 मार्च के बाद 10 मार्च का रिजल्ट आएगा। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को, संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट, दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट, सफाई सुविधा बिजली पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है, कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई, गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए
102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ केनी दिल्ली। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्योंकि लड़ाई 3 प्रत्याशी है और 3 लड़ रहे हैं और तीनों जो है लड़ रहे हैं। अब कल प्रधानमंत्री जी और आज योगी जी आए हैं, उनके आने के बाद जरूर उनका छाप पड़ा है जनता के बीच, प्रभाव पड़ा। अभी कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, उस पर तो कल आएंगे तो फिर देखा जाएगा आने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ के वर्तमान विधायक ने कहा है कि यहाँ 30 साल बनाम 5 साल, इससे कहते हैं ये सब बस बात है। कोई बनाम बनाम करता है अपना हवा बनाने के लिए, लेकिन गलत बात है। 30 साल बनाम 5 साल, ये पहले भी लोग कहते थे इतना बनाम इतना, वो बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश में जनता का कानून व्यवस्था को पड़ा कि अत्याचार अत्याचार दंगा माफिया राज, इस पर जो सरकार ने पहल किया है, ये पहल जो है जनता के दिलों दिमाग में उसको हिल रहा है। अब इसे जनता समझा। कौन सी पार्टी का भोपाल है? भोपाल कह रहे हैं कि लड़ाई तीनों में चल रहा है, अब किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा। लड़ाई तीनों में चल रहा है, हमारे यहाँ पर हार जीत जो भी हार जीत हो, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक गए उस आदमी ने, उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। किसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का उन? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडुंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमित शाह भी आने वाले, इस पे क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी का भोकाल है और जमुनिया की समस्या क्या है?
एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत बढ़िया कोई डिग्री कॉलेज राजकीय नहीं है, उद्योग का बहुत बड़ा कोई साधन नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं है जमनिया में। जैसे वर्तमान विधायक ने कहा कि 5 साल बनाम 30, 30 साल मैंने उसको मैंने 5 साल में कर दिया, अगर मुझे एक और मकान मिलता तो मैं इससे और बेहतर करके दिखाऊंगा, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। क्या इस बार परिवर्तन होगा? लग रहा है। कौन सी पार्टी का भोपाल चाहिए? पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, उसे लग रहा है कि सपा का जो दबदबा, सपा का भोपाल चाहिए। जी जी। इस बार क्या ओम प्रकाश सिंह आ जाएंगे? अगले में विधानसभा 2017 की विधानसभा चुनाव में उनको तीसरे नंबर पर रखा गया था, इस बार क्या 15-16 हज़ार कुछ ऐसे समथिंग का डिफरेंस रहा है? तो ये होता है कि सत्ता के विपक्ष में या राज्य सत्ता के विपक्ष में जो कंपेंसी होती है रहा होगा, लेकिन मत नहीं था। हम लोग इलाके में कुछ सारे काम बहुत बढ़िया किए हैं, जैसे सोलाई में तहसील का लाना, ये परम का योगदान रहा है, या ये कह लीजिए कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है सोलाई में तहसील लाना, ये सहायक बनता है। आज भी बहुत सारे काम किया है, क्योंकि नए जिला इंस्पेक्टर जो पावर हाउस का निर्माण कराए हैं, हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन सी पार्टी का वोकल टाइट हेड तो क्या है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचर रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है, आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं, इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर यहाँ पर तो तीनों पार्टी का ही, और ये अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है कौन जीतेगा, लेकिन वर्तमान में जो पार्टियाँ चल रही हैं। कौन सी पार्टी है सामच्छ? तेज विरोध। कौन सी पार्टी है सामच्छ? कौन सी पार्टी का? हमारे साथ और लोग जुड़े, जानने को देख क्या नाम आपका? छठा चरण आज खत्म हो गया, सातवां चरण में गाजीपुर में उठी और 10 तारीख को रिजल्ट आए। तमाम दिग्गज मैदान में आए और तमाम दिग्गज जो प्रदेश लेवल हो चाहे देश लेवल पे, उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग का आना जाना गाजीपुर में लग गया है। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसके क्या कहेंगे आप, किस कौन सी पार्टी का भोपाल है? कौन सी पार्टी जिसका जिसका जलवा या दबदबा का मैं आज जीतने की जा रही है जमुनिया विधानसभा में, कौन सी पार्टी के विधायक बनने जा रहा है? अभी तो यहाँ पर जो है ओम प्रकाश सिंह का दबदबा। वर्तमान विधायक ने एक बार कहा था कि 5 साल बनाम 30 साल, मतलब 30 साल जो काम किया वो मैंने 5 साल में कर दिया। इसके विकास तो हुआ है, हम लोग तो विकास नहीं करेंगे।
यहाँ पे लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी भी बहुत जबरदस्त टक्कर दे रही है। पिछले 2017 की विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे थी और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे थी। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अपना आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका भी देश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मा तो जमाने लग जाते हैं, पर ये बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। कांग्रेस की यहाँ की जवानी प्रत्याशी का वीडियो आ रहा हुआ था जिसको खिलाफ पास वो दिखा रहे हैं कि हुआ किसी को दिखाने के लिए छाती काट रहे हैं चारा मशीन अपने को, यही उसको कर रहे हैं कि आप भाई समाज सीमा हो हमको दिखाइए। अच्छा जी, चुनाव नजदीक अगर साक्षर घोड़ने हुए कौन सी पार्टी का भौकाल टाइट? ये तो अपने अपने स्तर की बात है भाई, हमारी मेंटेलिटी जहाँ है मैं आपको बता दिया, बाकी लोग कहाँ वोट देते हैं क्या करते हैं उनके ऊपर निर्भर है। हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, समझाने की कोशिश करें। तो क्या नाम है? क्या नाम है? अनिल जी बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, तमाम पार्टियाँ रख दिग्गज का गाजीपुर नाम नया भी योगी जी भी आगे गए हैं और अमित शाह क्या कर रहे हैं, कौन सा पार्टी भोपाल से भोपाल की बात है तो ये तो कोई मान लीजिए भोपाल तो कहना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सबका बहुत सबसे बनाना है यहाँ, और दूसरी बात है कि जो दिग्गज नेता आते हैं वो अपने क्षेत्र का दौरा तो जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल चुनाव रणनीति और चुनावी के समय ही क्यों है दौरा करते हैं, इससे पहले वो कहाँ रहते हैं? जो लोकल है, जो लोकल पार्टियाँ हैं, जो लोकल लोग हैं, जो उसके इर्द गिर्द में जितने भी विधायक हैं, जो भी मंत्री हैं, उनका वर्चस्व जो बना रहेगा, उनका जो जनता पर छाप रहेगी, उनके तरफ जनता जाए, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि बड़े दिग्गज नेता किसी भी जिला में या किसी भी क्षेत्र में अगर वो आते हैं तो जरूर उसका प्रभाव पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बशर्ते ये बात है कि अगर आप बड़े नेता हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में, यानी पूरा प्रदेश आपका है तो पूरा प्रदेश को देख कर चलना चाहिए कि हम कैंडिडेट जो लाए हैं फ्री मेरा नहीं कर रहा है, उसका जो भी लेखा जोखा स्कोर कार्ड सरकार के पास नहीं है, समझ रहे सर? तो ये होना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट आप खड़ा कर रहे हैं तो जो भी जीता हुआ प्रत्याशी अगर बन जाता है तो उसका स्कोर कार्ड 5 साल का रिकॉर्ड रहना चाहिए कि आपने क्या किया, जनता के पास गए हैं नहीं गए हैं, क्या किए हैं, तो इसको मत में रखकर जनता अपना सबको मत देगी। और ज़्यादा समय नहीं है, सोचने का भी तो समय लेके और 3 और 4 दिन बच्चे हैं चुनाव को, तो बहुत इसमें बहुत सब क्लियर, ठीक है। भले कोई कहे मेरा भौकाल टाइट है, मेरा भौकाल टाइट है, तो सबका भौकाल टाइट है, यहाँ किसी का कम नहीं है, वो सबसे जनता अपना मत और अपना स्थान चुन चुकी है, हमको किसको देना है, ठीक है। जमीन समस्या क्या जो अब तक नहीं पूरा हो पाया, 30 साल बनाम 5 साल, यहाँ की जमाने के विधायक वर्तमान उन्होंने कहा कि 30 साल बनाम 5 साल, जो उन्होंने 30 साल में पे उन्होंने उसको मैंने 5 साल करके दिखाया, इस पर क्या किसका बसपा है, क्या जरूरत? देखिए विकास समय के साथ चलता है, अगर कोई कहे कि 1 साल बना 50 साल तो ये हम नहीं मानेंगे, तो 20 साल की स्थिति क्या थी, 50 साल की स्थिति क्या है, ये डिपेंड करता है 5 साल की क्या स्थिति है, ये डिपेंड करता है आपका सर जो समय कैसा है, आपका स्थिति कैसा है, ठीक है सर, इस पर डिपेंड करता है। हाँ रही विकास की बात तो सब अपने पार्टी स्तर से सब विकास करते हैं, लेकिन जो चाहिए अभी फिलहाल जमनिया के लिए कुछ मिला नहीं है, और मिलना चाहिए चाहे जो भी पार्टी यहाँ पर आती है। जमीन जमनिया की जरूरत है, मजबूत चीज़ है, जरूरी है, जिसे जो व्यवस्थाएं होती क्या है?
सर सीधी सी बात है, जो कोर व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी ये भी अगर कहा जाए कि पूर्ण रूप से, तो कहीं क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है जिसको पूरा करना। मानते हैं कि 100% नहीं होगा, लेकिन उसमें जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए, चाहे जो हमारे साथ यही चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली।